देखिए भीमा मंडावी एक जानदार शानदार दमदार एमएलए थे, दूसरी बार वो एमएलए बने। जनता का उनके ऊपर भी बहुत विश्वास था और लोकतंत्र की बलिवेदी पर, चुनाव की बलिवेदी पर वो कल शहीद हो गए। ये पूरे देश के लिए, पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चैलेंज है। इस प्रकार से नक्सलवादी या आतंकवादी हमारी चुनाव व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए और जनप्रतिनिधियों की हत्या कर रहे हैं। खाली भीमा मंडावी नहीं गए, उनके साथ में 3 फोर्स के जवान गए, एक ड्राइवर गया। ये हमारे लोकतंत्र को चैलेंज है। हम तो चाहेंगे कि इसका ठीक तरीके से बदला लिया जाए, नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया जाए और बस्तर के मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कर और नक्सलवादियों को जवाब दे। यही भीमा मंडावी को सच्ची श्रद्धांजलि। सर, दो सवाल हैं, रिएक्शन लेना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो फिल्म है उस पर चुनाव आयोग ने रोक लगाई है, और दूसरा ये कि राफेल को लेकर जो पुनर्विचार याचिका आईडी छोड़ो ऊपर कर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, वो खारिज हो गई है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी निर्णय दिया उस पर कोई रिएक्शन देने की आवश्यकता नहीं। चुनाव आयोग ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके ऊपर में हमारा केंद्रीय नेतृत्व विचार करेगा और निर्णय करेगा। आज रायपुर ऊपर करूँ मैडम, शहर जिला के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस शोक सभा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में भीमा मंडावी जी के जो व्यक्तित्व और उनका कृतित्व, इन सब के ऊपर में मार्गदर्शन और उसके साथ में सभी वहाँ यहाँ पर श्रद्धांजलि उनको दिया था यार, प्रकाश पकड़ता। जैसा कि आप सबको विदित है कि भीमा मंडावी जी एक दंतेवाड़ा से और 15 किलोमीटर दूर गदापार एक वनवासी क्षेत्र गांव में उनका जन्म हुआ, किसान परिवार में जन्म हुआ। पंचायत सचिव के रूप में उन्होंने पहले अपना कार्य प्रारंभ किया समाज के बीच में, और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया तब महेंद्र कर्मा जी को दंतेवाड़ा से उन्होंने पराजित करके पहले बार विधायक बना। अपने विधायकी कार्यकाल का और उसके साथ में दोबारा जब विधायक बने तो देहूती कर्मा जी को हरा करके उन्होंने विधायक बना। उनका जो सोच, एक जनप्रतिनिधि जो मुझे बनाया गया है तो समाज में जो शोषित है, समाज में जो वंचित है, जहां अंधेरा है वहां पर रोशनी लाना, जहां गरीबी है उस गरीबी को दूर करना, भगाना, और साथ ही साथ में जहाँ पर सबके लिए वहाँ सड़कें, आवास की व्यवस्था, बाकी जो व्यवस्था, उनका पूरा जीवन एक संघर्षमय रहा है। न केवल जीवन के प्रारंभिक काल में बल्कि जब विधायक रहे तब भी, नहीं रहे तब भी, एक ऐसे कर्म योद्धा रहे हैं, ऐसे वीर विधायक रहे हैं जिन्होंने जब अपने कार्यों के द्वारा इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस लोकतंत्र के लिए काम करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं ऐसे भीमा मंडावी जी जो हमारे विधायक दल के उपनेता भी विधानसभा में हमारे रहे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूं। और मैं खास करके बस्तर के निवासियों से, वहां के वासियों से मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि कल मतदान है। इस लोकतंत्र को चुनौती देने के लिए नक्सलियों के द्वारा विस्फोट करके उड़ाया गया, और इस विस्फोट में उन्होंने अपनी जान दी है, उनके साथ में 5 और लोगों ने जो शहादत दी है। मैं विनम्र आग्रह करना चाहूँगा बस्तर वासियों से कि कल आप इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पोलिंग बूथ में जाएं, वहाँ पर मतदान करें, और मतदान करके आप भीमा मंडावी जी को सच्ची श्रद्धांजलि आपकी अर्पित होगी। इसके लिए मैं आग्रह करना चाहूँगा। भीमा मंडावी जी के जो एक वीर विधायक के रूप में वहाँ के अनेक उनके गाथाएं, उनके संघर्ष, उनके परिश्रम निश्चित रूप से बस्तर के जब भी यादों को
स्मृति को याद किया जाएगा, उसमें भीमा मंडावी को भी हम लोग याद करते रहेंगे। वहाँ की दंत कथाएं में भी भीमा मंडावी प्रचलित रूप से दर्ज होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि उनके आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें, और साथ ही जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं ऐसे योद्धा वहाँ पर और भेजे, जिससे नक्सलियों का अंत हो सके। उनके परिवार को, छोटे छोटे बच्चे हैं परिवार में, भाई बंधु हैं, कि इस असह्य दुख के सह सके, भगवान ऐसे उनको शक्ति प्रदान करें, मैं यही कामना करता हूँ। ओम शांति। ठीक, जोश और जज्बा